आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाले नाश्ता की रेसिपी, जो कि हम झटपट बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने में जब कुछ समझ में नहीं आता तो लगता क्या बनाया जाए, तो आज हमने लिया है मूंग दाल के पापड़। और इसको करना क्या है, भिगो लेना। इससे बहुत जल्दी झटपट नाश्ता बन जाएगा। जैसे कि हम चाय बनाते हैं 4 बजे दिन में, तो लगता है क्या बनाया जाए, कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो चलिए आज हम इसका बहुत अच्छा से नाश्ता आपको बना के दिखाते हैं। पापड़ को साइड में रखते हैं। यहाँ पे एक हमने थाली ले लिया है क्योंकि पापड़ हमारे बड़े हैं, तो यहाँ पे डालेंगे पानी। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालना है। बस इस तरह से इसको डिप कर देना है। बस इस तरह से करके बाहर निकाल के रख लेना है। बढ़िया तरह से हमने डिप कर लिया है, तो करना क्या है, यहाँ पे लगाना है बटर। यहाँ पे इस तरह से बटर को लेना है, इस तरह से लगा देना है। चाहे तो आप हाथ से भी लगा सकते हो, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है थोड़ा से ठंडा रहता है, तो इस तरह से लगा देना है। बटर को हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे लिए हैं लहसुन, इसको इस तरह से कद्दूकस कर देंगे। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, जरूर डालिएगा। अब यहाँ पे हमने चीज लिया है इस तरह से, इसको भी कद्दूकस कर देंगे। बहुत हेल्दी बनेगा नाश्ता। और यहाँ पे डाल देंगे ओरिगैनो। यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे और इसको बढ़िया तरह से रोल कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह हम सभी को बना के रेडी कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमने बढ़िया तरह से बना के रेडी कर लिया है। इस रेसिपी में नमक का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि पापड़ में भी नमक होता है। अगर हम नमक डाल देंगे तो बहुत चटक लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नमक इसे करते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, जैसे काला नमक डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने बहुत परफेक्ट बना लिया, तो चलिए इनको सेंक लेते हैं। गैस पर हमने एक तवा चढ़ा दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। गैस को धीमा ही रखे हैं, बस इस तरह से इनको रख के सेक लेना है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट सेक जाएगा। और गैस को धीमा ही रखना, क्योंकि बहुत जल्दी सेक जाते हैं। इस तरह से इनको उलटते पलटते बढ़िया तरह से सेक लेना है क्रिस्पी होने तक। ये देखिए, बहुत बढ़िया से सेक रहा है। तो लीजिए, हमने बढ़िया तरह से सेक लिया है। अब इनको बाहर निकाल के रख लेते हैं। जब हल्का गर्म रहे तो बस इसको इस तरह से कट कर देना, इसलिए कि ये जब ठंडा हो जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। अभी बहुत ज्यादा गर्म है, तो लीजिए हमने कट कर दिया है, कुछ इस तरह का है। तो इसको साइड में रखते हैं, इनको भी कट कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छी दोस्तों इसमें खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। बहुत ज़्यादा गर्म भी है। लीजिए, इसको भी काट लिए हैं, इसको भी काट लेते हैं। सभी को हमने बढ़िया तरह से काट लिया है। हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें इनको रख देते हैं। और थोड़ा ठंडा होने देते हैं, हल्का से। जब गर्म रहे तो यहाँ पे थोड़ा से
मैगी मसाला डाल देते हैं, इससे थोड़ा से और चटपटा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। वैसे भी बहुत टेस्टी बना है, इसी तरह आप खा सकते हो। इस तरह से इनको थोड़ा सा इसमें मसाला इस तरह से लगा देना है, उलट पलट के चारों तरफ बढ़िया तरह से लग जाएंगे। काफ़ी बढ़िया बना है, बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रही है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास ज़्यादा पापड़ नहीं थे तो मैंने इतना ही ट्राई किया है, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं। तो लीजिए, चाय के साथ खाने के लिए रेडी है। चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं या तो फिर चाय के साथ खा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।